ओके देखो नेक्स्ट, ये प्रूफ क्लियर है यहां तक, एनसीईआरटी का प्रूफ है, ज्यादा कोई पूछेगा नहीं। अब इस ऊपर जितना भी हमने प्रोजेक्टाइल किया इसके बेस पे मैं आपको अब कुछ न्यूमेरिकल्स बताता हूं कैसे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। वैसे तो होमवर्क भी दूंगा आज, पर होमवर्क से पहले कुछ हिंट देता हूं सो दैट आपके न्यूमेरिकल्स रुके नहीं। ठीक, सबसे पहले जैसे सपोज क्वेश्चन आएगा, अब एग्जांपल्स हैं, एक प्लेन हॉरिजॉन्टल उड़ रहा है विद 1000 मीटर्स पर सेकंड वेलोसिटी से। ठीक, इस प्लेन ने उड़ते हुए एक बॉम्ब को ड्रॉप किया, बस ऐसे ही गिर दिया। अब चलते हुए प्लेन में से बॉम्ब गिरा तो बॉम्ब की वेलोसिटी भी हॉरिजॉन्टल क्या मानी जाएगी, 1000, और 1000 सेम, लेकिन वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी क्या मानी जाएगी, जीरो। तो बॉम्ब जो है वो अंडर ग्रेविटी आ जाएगा और अल्टीमेटली कैसे गिरेगा ग्राउंड पे, लाइक अ प्रोजेक्टाइल, पैराबोला। ठीक है, और सपोज 1000 मीटर से ये बॉम्ब को गिरा गया, ठीक, तो पहला क्वेश्चन कितने टाइम पे ये लैंड करेगा ग्राउंड पे, ये बताओ। प्रॉब्लम समझ में आ गई? तो जब भी एक चलते हुए रॉकेट या चलते हुए प्लेन में से बॉम्ब ड्रॉप करेंगे तो प्लेन के ही वेलोसिटी लेके निकलेगा। तो अगर प्लेन की वेलोसिटी 1000 तो बॉम्ब की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 1000 और इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल वेलोसिटी इज जीरो। क्लियर है पहला पॉइंट? अच्छा, अब इसके अंदर ये बताओ कि अगर एक्सिस वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस में बताओ इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी, ओके इज इक्वल टू जीरो। एक्सेलरेशन नीचे गिरने की प्लस जी, यानी कि 10 मीटर अप्रोक्सीमेटली पर सेकेंड का स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट बोलो 1000, ठीक है, और यू कैन यूज इक्वेशन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस की जगह 1000, वर्टिकल वेलोसिटी जीरो, हाफ ए की जगह 10 इंटू टी का स्क्वायर। तो यहां से टाइम की जो वैल्यू आएगी रूट टू इंटू 10 सेकेंड। तो टाइम समझ में आया कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहला पार्ट क्लियर है, इतने टाइम में बॉम्ब नीचे गिरेगा। फिर क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा बताओ उसने ग्राउंड का डिस्टेंस कितना कवर किया। अब ग्राउंड के डिस्टेंस के लिए एक्सिस क्या बनाना पड़ेगा, एक्स। तो एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट कितनी लिखी जाएगी, एक्स। कितने टाइम में, रूट टू इंटू कितना, 10। सेम टाइम सेम रहेगा दोनों का, क्योंकि इतने टाइम में y भी कवर हो रहा है और x भी कवर हो रहा है, और वेलोसिटी x एक्सिस में हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो बॉम्ब जब चला था तो कितनी वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल चला था, 1000, तो इट विल रिमेन सेम, ठीक, 1000 1000 1000। तो x एक्सिस में एक ही क्वेश्चन अप्लाई करते हैं, s इज इक्वल टू vt, तो s की जगह x, वेलोसिटी इज 1000 और टाइम की जगह 10 रूट टू, तो x की वैल्यू आ जाएगी आंसर। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कि एक टाइम कैसे निकलेगा और एक्स कैसे निकलेगा, नोट कर लो। तो पहले टाइम निकलेगा वाई एक्सिस से और टाइम यूज करेंगे एक्स एक्सिस में, तो वहां से एक्स कैन बी कैलकुलेटेड।
जी ये मेथड समझ में आ रहा है, x एक्सिस में s इक्वल टू vt और y एक्सिस में s ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो टाइम दोनों में विल रिमेन सेम। अच्छा नेक्स्ट, ये वैसे ही क्वेश्चन जो लास्ट टाइम किया था हमने। अच्छा नेक्स्ट है, उस बॉम ने ग्राउंड को कितनी नेट वेलोसिटी से हिट किया, ये लो याद है हम इस तरीके से एक वेक्टर ड्रॉ करते थे, तो हम इसके दो कंपोनेंट्स लेंगे यहां पर, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। मान लो इसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होती, तो इस केस में इसकी वेलोसिटी तो पक्का 1000 मीटर पर सेकेंड ही आएगी। यहां तक क्लियर है? ठीक है यहां तक। तो अगर मुझे नेट वेलोसिटी निकालनी है तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा के जो v नेट आएगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ v x का स्क्वायर प्लस v, पाइथागोरस लगा दो क्योंकि दोनों के बीच में एंगल कितना है 90, तो v नेट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ v x स्क्वायर प्लस v y स्क्वायर। ठीक है यहां तक। v x तो मुझे पता ही है, मुझे सिर्फ क्या निकालना है v y, v y का एक्सिस क्या है, x की y, पैर में y लिखा है तो y होगा vy, तो इस पूरी जर्नी में यहां से यहां तक y एक्सिस में फाइनल वेलोसिटी क्या लिखेंगे, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू vy, इनिशियल वेलोसिटी क्या लिखेंगे, जीरो, जीरो से vy, ऐसा कितनी देर में हुआ 10√2 सेकंड में हुआ, और एक्सेलरेशन नीचे आने की कितनी प्लस g यानी कि 10। तो आप एक काम करो, vy निकालने के लिए आप इक्वेशन अप्लाई करो, v इज इक्वल टू u प्लस at अलोंग y एक्सिस, v की जगह क्या पुट करेंगे vy, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसमें 0, एक्सेलरेशन 10 और 10√2, तो दैट इज 100√2, राइट। तो vy की वैल्यू समझ में आ रही है कैसे आएगी, vy निकालने के लिए y एक्सिस लेना है सिर्फ, तो y एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी लो, y एक्सिस में फाइनल लो, y एक्सिस में एक्सेलरेशन लो, और टाइम आपको पता है, तो v u प्लस at से vy कैन बी कैलकुलेटेड, उस vy को यहां पुट कर दो, तो नेट वेलोसिटी जो आएगी अंडर रूट ऑफ 1000 का स्क्वायर प्लस 100√2 का होल स्क्वायर, तो यहां से नेट वेलोसिटी कैन बी कैलकुलेटेड। पॉइंट समझ में आ रहा है, मतलब मेन चीज इसमें निकालने की क्या थी, vy, और vy का मतलब फाइनल y एक्सिस की वेलोसिटी, क्योंकि पूरी जर्नी में दिस इज फाइनल एंड दैट वॉज इनिशियल। ठीक है करण, वी नेट निकाल लेना, वो रहा ऊपर आ गया राइट साइड पे लिख दिया, हाँ जी यहां तक क्लियर है सबको, चिराग क्लियर है? ठीक। एक और क्वेश्चन इसी के अंदर आता है कि फाइंड एंगल थीटा, ये जो बॉम्ब जमीन पे गिरा तो उसने जो फाइनल वेलोसिटी है उसने ग्राउंड के साथ एंगल कितना बनाया, थीटा, तो मुझे पता है ये vy है तो ये साइड भी क्या हो जाएगी vy, और ये साइड क्या है vx, तो tan थीटा इस ट्रायंगल में क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू vy डिवाइडेड बाय v, तो tan ऑफ थीटा इज दिस साइड बाय दिस साइड, तो vy की वैल्यू कितनी हमने निकाली हुई है 100√2, और vx कितना है 1000, तो यहां से tan ऑफ थीटा की वैल्यू आ जाएगी √2/10 और थीटा आ जाएगा tan इनवर्स √2/10, तो अगर एंगल नहीं मालूम तो tan इनवर्स में छोड़ दो, बट समझ में आया कि बॉम्ब का एंगल ग्राउंड के साथ ये लेना पड़ेगा नेट वेलोसिटी का, तो tan थीटा अगर ये vy है पैरेललोग्राम में तो ये भी vy है, और अगर ये vx है तो ये भी vx है, तो tan थीटा इज vy/vx, vy हमें पता है, vx हमें पता है, थीटा कैन बी कैलकुलेटेड।
ओके ठीक है यहाँ तक. ओके नेक्स्ट देखो, सपोज दो बिल्डिंग्स हैं, फर्स्ट बिल्डिंग एंड सेकेंड बिल्डिंग. ठीक, ध्यान से देखो, दो बिल्डिंग्स हैं. इस बिल्डिंग के यहां पर एट अ हाइट ऑफ 540 मीटर्स एक विंडो है, 540 मीटर्स पे एक विंडो है. सेकेंड बिल्डिंग के 50 मीटर हाइट पर एक विंडो है, 50 मीटर और 540 मीटर. एक स्टूडेंट ने एक बॉल को लिया और सीधा यहां से हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया, सीधा ग्रेविटी का इफेक्ट आ गया तो बॉल हवा में कैसी आ गई, प्रोजेक्टाइल. मैं ये चाहता हूं कि वो दूसरी विंडो में जाके एंटर करे, तो वो सीधा फेंके स्टोन जो भी फेंका और वो प्रोजेक्टाइल पैराबोला में होता हुआ इस विंडो में एंटर करे. ये डिस्टेंस 200 मीटर है, आपको बताने कि वो कितनी वेलोसिटी से उसे प्रोजेक्ट करे. ठीक, तो प्रॉब्लम समझ आई, एक विंडो से स्टोन निकलेगा दूसरी विंडो में जाएगा और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 200 है और प्रोजेक्टाइल की तरह जाएगा. डायग्राम बना लो पहले. जाते बाहर देना जाते हुए. अब मुझे ये बताओ, इन दो विंडोज का ये क्वेश्चन है, उसके नीचे हमें कोई लेना देना नहीं है. ये डिस्टेंस कितना है, 200 मीटर. जैसे ये स्टोन निकला था, हॉरिजॉन्टल निकला था, वर्टिकल निकला नहीं था, तो इसकी जो वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या होगी, जीरो. तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी दैट इज जीरो. ठीक, हॉरिजॉन्टल गया था तो यहां से यहां आने में उसने वर्टिकल डिस्टेंस कितना कवर कर लिया, 540 में से 50 गया कितना हो गया, 490 मीटर, 490 मीटर. तो हम इसमें 490 में इंटरेस्टेड हैं क्योंकि इसके बाद तो क्वेश्चन खत्म ही हो जाता है. ठीक हो गया, तो इस केस में मुझे ये चाहिए ही नहीं एक्चुअल में, तो ये क्वेश्चन बनता है. अच्छा, टी टाइम में मान लो ये स्टोन यहां पे पहुंच जाता है सपोज, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि वाई एक्सिस में यहां से यहां आने में बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर की, तो आप आंसर क्या देंगे, 490. यहां से यहां आने में y एक्सिस में कितनी, 490. अच्छा, ये भी बता दो फिर, x एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट क्या लेंगे, 200. x एक्सिस में यहां से आने में 200, y एक्सिस में 490. y एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी बोलो क्या लेंगे, 0. y एक्सिस में एक्सेलरेशन की जगह g को यहां पर 9.8 ले लेना, 10 भी ले सकते हो, मर्जी आपकी. 9.86 होगा, 49 आ रहा है ना, तो पता लग जाता है 9.8 लेना है. पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. s कितना, 490, इनिशियल वेलोसिटी 0, हाफ 9.8 इंटू टी स्क्वायर. तो इसको जरा प्लीज सॉल्व करें t के लिए, तो t कितना आ रहा है, 10 की 20 10 आ रहा है. अच्छा, 4.9, हाँ ठीक है, 10. तो पॉइंट समझ में आया कि ये स्टोन 10 सेकेंड में वहां गया, पर मेरे को तो यू पूछा था, तो मुझे एक चीज बताओ, इसमें एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट इतनी है, वेलोसिटी हमेशा एक्स एक्सिस में क्या रहती है, इस केस में क्या रहेगी, यू.
और टाइम टेकन कितना रहेगा इसमें भी स्टोन का? 10। टाइम तो सेम होता है, तो आप इसमें इक्वेशन क्या लगाते हो, एस इज इक्वल टू, तो 200 इज इक्वल टू वेलोसिटी, यू रहेगी कांस्टेंट और टाइम कितना है 10, तो यू कितना आएगा, क्योंकि मुझे यू तो हॉरिजॉन्टल है, तो यू हॉरिजॉन्टल का मतलब एक्स एक्स तो लेना ही पड़ेगा, पर यू निकालने के लिए आपको इसमें क्या चाहिए होगा, टाइम, तो टाइम आप वाई एक्सिस निकाल के इसमें पुट करेंगे। कुछ एग्जाम्पल से समझ में आ रहा है कि कैसे दो एक्सिस में काम चलेगा। वाई में देखो एक एक्सिस से कुछ नहीं आना, इकट्ठे चलाना पड़ेगा, वाई में अलग चलाओ एक्स में अलग चलाओ, अपने आप ही टाइम को मर्ज करो अपने आप आंसर आ जाएगा। तो एक इक्वेशन लगाओ वाई में, वहां से नॉर्मली वाई के इक्वेशन से टाइम ही आते हैं, अगर आपने नोट किया हो जितने भी क्वेश्चन किए, वाई में हाइट गिवन होती है वहां से टाइम आता है और एक्स एक्सिस में टाइम को हम पुट करते हैं। स्टेप समझ में आ रहा है, कोई डाउट इसमें? ठीक है, टाइम बताओ, टाइम क्या हुआ है, टाइम 2 मिनट, 2 मिनट। अच्छा ठीक, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ठीक, तब आपने क्या होमवर्क करना है, जो आपको ये असाइनमेंट दी है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, इस असाइनमेंट की सब्जेक्टिव शीट नंबर 16, सब्जेक्टिव शीट नंबर 16 कि हो सकता है कुछ क्वेश्चन हो भी जाए, हो सकता है ना भी हो, पर ट्राई सबने करके आने हैं, बीच में क्वेश्चन छोड़ दो चाहे आते, कोई दिक्कत नहीं है, हम सारी शीट करेंगे, लेकिन ट्राई करना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन क्या है एटलीस्ट ये आपको पता होना चाहिए, हो सकता है फॉर्मूला बेस्ड तो हो भी जाए, तो कोई ये ना करे कि मैंने तो दो ट्राई किए मेरे से दो नहीं हुए तो मैंने बाकी नहीं किए, कोई दिक्कत नहीं, आप आधे आधे छोड़ते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट क्लास में इसको पूरे कर दूंगा मैं। बट पॉइंट समझ में आ रहा है कि ये शीट नंबर 16 सब्जेक्टिव हर कोई ट्राई करके लाएगा अपनी कॉपी में, मैं होमवर्क चेक करूंगा इसका, ठीक है, अपने एक्टिव शीट